हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज़, अगर आप लोग क्रिकेट के एक फ़ैन हो तो आपको यहाँ पर जेम्स फॉकनर का नाम तो याद ही होगा। अब जब भी हम ऐसे प्लेयर्स की बात करते हैं जो कि बिल्कुल हारे हुए मैचेस को जिता देते हैं किसी भी टीम को, या फिर अपनी टीम के लिए ऐसे नॉक्स खेल जाते हैं जिससे कि उस टीम की बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं होती जीतने की, लेकिन वो उस मैच को पलट कर रख देते हैं, तो ऐसे प्लेयर्स में सबसे ऊपर नाम आता है जेम्स फॉकनर का। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर जेम्स फॉकनर IPL में अचानक से कहाँ गायब हो गए, आखिर ऐसे क्या रीजंस थे जिनकी वजह से जेम्स फॉकनर को हम लोग अब IPL या फिर नेशनल क्रिकेट में नहीं देखते हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। तो यहां पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हमें इनके बारे में पूरी तरह से जानना है तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। हम बात करते हैं 2013 की, जहां पर जेम्स फॉकनर नाम का एक स्टार आया था जिसने कि यहां पर कुछ ऐसे अजीब से नॉक्स खेले थे जो कि उस टाइम पे एक्सपेक्टेड नहीं थे। मतलब खासकर कि टेलेंडर्स के साथ बैटिंग करके अपनी टीम को जिता देना, और जिस तरह की इनकी हिटिंग कैपेबिलिटीज़ थी, स्लॉग ओवर्स में ये स्लो बॉलिंग तो कर ही सकते थे, उसके साथ साथ जिस तरह से बैटिंग में यहां पर इन्होंने कमाल किया था उसको देखते हुए सभी लोग यही बोलते थे कि ऑस्ट्रेलिया को एक ऐसा फिनिशर मिल गया है जो कि ना सिर्फ बैट्समैन के साथ मिलके बल्कि जो टेलेंडर्स होते हैं उनके साथ भी खेल के ऑस्ट्रेलिया को जीत तक पहुंचा सकता है। उसके बाद जेम्स फॉकनर काफी बड़ा नाम बन गए और यहां तक कि IPL में भी उनके ऊपर काफी सारा पैसा लगने लगा। लेकिन अगर हम बात करें उनके इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो उसके बाद उनकी फॉर्म ने उनका साथ नहीं दिया और थोड़ी सी उनकी फिटनेस भी सामने आने लगी, फिटनेस इश्यूज सामने आने लगे। तो ऑस्ट्रेलिया में हम सबको पता है कि उनकी टीम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता अगर आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है, तो काफी हाई फिटनेस की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन ऐसे में जेम्स फॉकनर फिट नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे वो यहां पर टीम से बाहर होने लग गए, तो नए चेहरे आने लग गए ऑस्ट्रेलिया की टीम, और उसके साथ ही जेम्स फॉकनर ऑस्ट्रेलिया की टीम से हो गए बाहर। और उसके बाद हमें यहां पर न्यूज़ मिलती है 2017 में कि यहां पर जेम्स फॉकनर को एक बार फिर से टीम इंडिया के अगेंस्ट जो सीरीज हुई थी उसके लिए पिक किया गया था, लेकिन इंडिया में एक बार फिर से उन्होंने खराब खेला और जिसकी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया की टीम से बाहर हो गए। उसके बाद उनकी नी इंजरी हो गई। अब अगर हम बात करें कि वो IPL में उनका क्या सीन रहा था, तो IPL में पुणे वॉरियर्स की तरफ से IPL 2011 में खेले थे, उसके बाद किंग्स इलेवन पंजाब में शिफ्ट हुए 2012 में, और 2013 में फाइनली राजस्थान रॉयल्स की ओर से हमें देखने को मिले थे खेलते हुए। उसके बाद यहां पर लगातार ही वो राजस्थान के लिए खेल रहे थे, लेकिन यहां पर जेम्स फॉकनर को राजस्थान ने इसीलिए खरीदा था कि वो इसी तरह की कैपेबिलिटीज कुछ IPL में भी दिखाएंगे, लेकिन IPL में ऐसा कुछ हो नहीं पाया और कुछ बहुत ज्यादा इंप्रेस वो कर नहीं पाए। उसके बाद यहां पर 2016 के ऑक्शन में गुजरात लायंस ने उन्हें खरीदा था, और गुजरात लायंस हमें पता है कि सिर्फ 2 ही साल के लिए IPL में थी, उसके बाद उनको यहां पर बैन कर दिया गया था। तो 2016 और 17 में वो गुजरात लायंस की ओर से खेले थे, वहां भी काफी खराब परफॉर्मेंस रही थी। ऐसे में मैंने आपको बताया कि 2017 में किस तरह से नी इंजरी के इश्यूज आने की वजह से उनकी फिटनेस वगैरह काफी खराब हो गई, और इसीलिए IPL 2017 और 2018 और यहां तक कि 2019 में भी यहां पर उनको किसी ने भी खरीदने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो ये थे यहां पर इनके रीजन जिसकी वजह से हमें IPL में देखने को नहीं मिल रहे। अभी अगर मैं इनकी बात करूं तो ये यहां पर काउंटी क्रिकेट खेलते हैं इंग्लैंड में, उसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में जो T20 लीग होती है उसमें भी ये हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम देखते हैं इनकी नी की इंजरी का इश्यू भी यहां पर सॉर्ट हो चुका है, तो क्या IPL 2020 में हमें खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं जेम्स फॉकनर, यही देखने वाली बात है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को कर सकते हैं लाइक, इसके साथ ही कमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हो तो आप चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा सकते हो जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।